हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम धीरज तिवारी, आप सभी को स्वागत है जे हो फैंटेसी चैनल में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं वुमेन्स के बिग बॉस लीग के मैच के बारे में। तो दोस्तों, ये मैच आपको किस किस के बीच में हो रहा है उसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो दोस्तों, मेलबर्न रैंगडेस वुमेन वर्सेज सैनडे थंडर वुमेन्स के बीच में हो रहा है मैच। तो मैच के बारे में बात करें तो मैच स्टार्ट होने में दोस्तों लगभग 11 घंटे 5 मिनट बचे हैं। उसके साथ साथ मैं वीडियो में आपको क्या क्या एक्सप्लेन करूँगा उसके बारे में बता देता हूँ। तो पहले आपको तीन चीज के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूं दोस्तों, आपको ये पिच के बारे में उसके साथ साथ पिच रिपोर्ट के बारे में और आपको एवरेज स्कोर के बारे में भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो दोस्तों, आपको ये तीनों चीज आपको एक्सप्लेन करना है तो आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना होगा, उसके साथ साथ आपको वीडियो को एंड तक बने रहना है। तो चलिए फ्रेंड्स, लेट नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर दोस्तों पिच के बारे में बात करते हैं, पिच आपको बैलेंस्ड मिलेगा, बेहतरीन पिच होगा दोस्तों, तो दोनों को सपोर्ट करेगा। और उसके साथ साथ पिच रिपोर्ट के बारे में बात करते रहें, पीछे आपको फास्ट बॉलरों को अच्छा सपोर्ट करेगा। उसके साथ साथ एवरेज स्कोर के बारे में बात करते रहें, 130 से 135 के बीच में स्कोर बन जाएगा। तो दोस्तों, यही है एवरेज स्कोर के बारे में। तो मैं तीनों चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद आपको ये भी कर लेना होगा कि मेरे टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन कर लेना होगा, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। अगर मैं क्योंकि बता रहा हूँ कि दोस्तों मेरे टेलीग्राम चैनल में आपको ज्वाइन कर लेना, तो आपको कोई फाइनल टीम की बात हो तो आपको मेरा फाइनल टीम आपको मेरे टेलीग्राम में मिल जाएगा, इसलिए मेरे टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन कर लेना है, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो बाय मिस्टेक अगर डिस्क्रिप्शन से लिंक ओपन होता तो फ्रेंड्स आपको सीधा तरह टेलीग्राम में चल जाना होगा। टेलीग्राम में जाके तो आपको इस तरह सर्च करना होगा @ जे हो फैंटेसी करके। तो दोस्तों, मैं सर्च कर रहा हूँ, तो सर्च करते तुरंत मेरे टेलीग्राम चैनल आपको शो हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको सही तरह से सर्च करना होगा। तो मैं सही तरह से सर्च करते तुरंत मेरे टेलीग्राम चैनल आपको ओपन हो जाएगा। उससे पहले आपको सही तरह से, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये नहीं आप सर्च करेंगे तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल शो नहीं हो जाएगा। तो इसीलिए जो आपको जो 678 सब्सक्राइबर्स दिखाई दे रहे हैं उसमें आपको ज्वाइन कर लेना है। और बाकी दो अकाउंट्स और भी दिखाई दे रहे हैं दोस्तों नीचे में, वो मेरे टेलीग्राम चैनल नाम से दोनों बंदों ने फेक अकाउंट्स बना लिए, तो इससे आपको दूर रहना है दोस्तों, क्योंकि ये दोनों फेक अकाउंट्स हैं तो आपको फेक टीम भी दे रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, कुछ यूजर्स क्या है दोस्तों, ये अकाउंट में छोड़ के ये दोनों अकाउंट्स में ज्वाइन हो जा रहे हैं, तो ये फेक टीम दे रहा है दोस्तों, आपको फेक टीम फॉलो कर रहे हैं, उसके बाद आप लॉस हो जा रहे हैं दोस्तों। आप सोच रहे हैं कि मेरे टेलीग्राम चैनल आपको लॉस करवा दे रहा, तो फ्रेंड्स वो नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। ये दोनों फेक अकाउंट्स आपको लॉस करवा दे रहे हैं दोस्तों, तो आपको इससे आपको दूर रहना है, क्योंकि दोस्तों इससे आप भी लॉस होंगे और वो लोग प्रॉफिट होंगे। तो दोस्तों, मैं मेरे टेलीग्राम चैनल में आपको आप जीतेंगे तो तब भी मुझे प्रॉफिट है दोस्तों, आप ज्वाइन भी हो जाएंगे तब भी मुझे प्रॉफिट है, क्योंकि दोस्तों आप लोग मेरे यूजर्स होंगे तो आप यूजर्स जो आप मैं मुझे भरोसा करके आप ज्वाइन हो रहे हैं दोस्तों, आपको मुझे प्रॉफिट देना ना मेरा कर्तव्य होगा। उसके साथ साथ आपको जो मैं आपको 678 सब्सक्राइबर्स दिखाई दे रहा हूँ उसमें आपको ज्वाइन कर लेना है। तो दोस्तों, अगर मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो गए तो उसके प्रॉफिट के बारे में बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, आगे अभी तक आप कितने लॉसेस हुए वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़े रहेंगे तो दोस्तों मैं पक्का 100% वादा करके बता रहा हूँ दोस्तों, आप कितने अभी तक लॉसेस हुए वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़े रहेंगे तब जितने लॉसेस में सब मेरे टेलीग्राम चैनल आपको कवर करवा देगा। तो फ्रेंड्स, मुझे वीडियो बनाने के बिल्कुल भी इरादा नहीं, तो चलिए फ्रेंड्स लेट नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों। तो पहले विकेट कीपरों के बारे में बात करते हैं, सॉरी फ्रेंड्स, विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, बॉलरों के बारे में बात करते हैं। पहले हम लोग 11 प्लेयर को पिक करते हैं, उसके बाद आपको 11 प्लेयर की स्टैट्स के बारे में बता दूंगा, उसके साथ साथ आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन के बारे में भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो दोस्तों, ये कोई तीनों चीज आपको जानना है तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना होगा। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना होगा, उसके साथ साथ वीडियो को एंड तक बने रहना है। तो चलिए फ्रेंड्स लेट नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। अगर दोस्तों विकेट कीपर के बारे में बात की तरफ से हम लोग एक विकेट कीपर को पिक करते हैं, तो पहले विकेट कीपर में पिक कर लेते हैं दोस्तों थालिया विल्सन को पिक करते हैं, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट विकेट कीपर बैट्समैन है। उसके साथ साथ बैट्समैनों के बारे में बात की तरफ पहले बैट्समैन में पिक करते हैं, 4 मरी 8 पट्टू को पिक करते हैं दोस्तों, एक एक्सपीरियंस प्लेयर है, श्रीलंका के हैं। उसके साथ साथ राचल हाइनेस के बारे में बात करते हैं, ये प्लेयर को भी पिक कर लेते हैं, और 2 मनी बियोनोमोट को पिक करते हैं दोस्तों, एक एक्सपीरियंस प्लेयर है। उसके साथ साथ कंट्री बैप को पिक कर लेते हैं। तो दोस्तों, हम लोग 4 ही बैट्समैन को पिक करते हैं। उसके बाद ऑलराउंडरों के बारे में बात किया, ऑलराउंडर में आते हैं हैली मैथस, एक एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट प्लेयर है दोस्तों, गेम चेंजर होंगे। उसके साथ साथ स्वामी जो जॉनसन को पिक कर लेते हैं, उसके बाद आपको मियोनॉक्स को पिक कर लेते हैं। तो हम लोग 3 ऑलराउंडर्स को पिक करते हैं, उसके बाद जो बाकी जो 3 प्लेयर्स हैं दोस्तों हम लोग बॉलर में पिक कर लेते हैं।
तो पहले हम लोग बॉलर में पिक करते हैं दोस्तों सभी इस्माइल को पिक करते हैं, उसके बाद सारशा कोयटे को पिक कर लेते हैं दोस्तों। तो दो बॉलर्स को पिक कर लिए, उसके साथ साथ सैम बैट्स को पिक कर लेते हैं। तो दोस्तों हम लोग तीन बॉलर्स को पिक कर लिए, तो उसके साथ साथ 11 प्लेयर भी हो चुका है। तो 11 प्लेयर के स्टैट्स के बारे में बात करते हैं, सबको आपको स्टैट्स के बारे में भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो दोस्तों पहले विकेट कीपर बैट्समैन के बारे में बात करते हैं, विल्सन है। तो भले लास्ट मैच में 2 रन बनाए थे दोस्तों 2 गेंदों में, लेकिन एक्सपीरियंस प्लेयर है, तो ये प्लेयर को आपको जरूर पिक करना होगा दोस्तों। तो आपको ये प्लेयर को अवॉइड नहीं करना है, उसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। उसके आपको बॉलरों बैट्समैनों के बारे में बात करते हैं, चारों बैट्समैन आपको इंपॉर्टेंट होंगे। तो पहले बैट्समैन में आते हैं दोस्तों आर्ट पटू 75 रन बनाए थे दोस्तों सिर्फ 59 बॉल्स में, तो बेहतरीन परफॉर्मेंस था। तो एक एक्सपीरियंस प्लेयर है दोस्तों श्रीलंका के, तो ये प्लेयर को आपको पिक करना होगा। और दूसरी बैट्समैन के बारे में बात करते हैं, हाइनी से, तो 31 रन बनाए थे 29 गेंदों में, तो ये प्लेयर आपको इंपॉर्टेंट होंगे। और बियोनो मार्ट के बारे में बात करते हैं, 0 रन बनाए थे पहले बॉल पर, आउट हो गए थे, लेकिन ये प्लेयर आपको इंपॉर्टेंट है। और वेब के बारे में बात करते हैं, 18 रन बनाए थे 20 गेंदों में। तो दोस्तों मैं चारों बैट्समैन के बारे में एक्सप्लेन करती हूँ, तो चारों बैट्समैन आपको इंपॉर्टेंट होंगे। उसके बाद ऑलराउंडरों के बारे में बात करते हैं, पहले ऑलराउंडर में आते हैं एच माइथर्स, तो माइथर्स के बारे में बात करते हैं, 26 रन बनाए थे 23 गेंदों में, उसके साथ साथ 4 ओवर डाल के 1 विकेट मिला था। तो दोस्तों ये प्लेयर आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। उसके साथ साथ स्वामी जॉनसन के बारे में बात करते हैं, बेहतरीन प्लेयर है, 41 रन बनाए थे दोस्तों 41 बॉल्स में, उसके बाद 3 ओवर डाल के 0 विकेट्स मिला था। लेकिन ये प्लेयर आपको इंपॉर्टेंट होंगे दोस्तों, क्योंकि बैटिंग में तो बहुत अच्छा खेलते हैं, उसके बाद बॉलिंग में भी 2-3 विकेट ले लेते हैं। उसके साथ साथ सोपली मिलोक्स के बारे में बात करते हैं, 1 रन बनाए थे 3 गेंदों में, उसके बाद 3.1 ओवर डाल के 2 विकेट मिला था। तो दोस्तों तीनों ऑलराउंडर्स आपको इंपॉर्टेंट होंगे। उसके बाद बॉलरों के बारे में बात करते हैं, पहले बॉलर में आते हैं इस्माइल, तो इस्माइल के बारे में बात करते हैं, 4 ओवर डाल के 1 विकेट मिला था। उसके बाद सरसा कोयटे के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स 3 ओवर डाले थे 1 विकेट मिला था। और एड्स बैट्स के बारे में बात करते हैं, 4 ओवर डाल के 0 विकेट्स मिला था। उसके बाद आपको जो मैं तीनों बॉलर्स बता रहा हूँ दोस्तों, तीनों बॉलर्स इंपॉर्टेंट होंगे। तो वीडियो स्टार्टिंग में आपको बता दिया था दोस्तों, ये पिच आपको फास्ट बॉलर को अच्छा सपोर्ट करेगा, तो मैं 2 फास्ट बॉलर को उतर रहा हूँ दोस्तों, कि दोनों ये फास्ट बॉलर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2-3 विकेट लेते आ रहे हैं दोस्तों हर मैच में। तो इस्माइल के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स इस्माइल को आपको जरूर पिक करना होगा, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है दोस्तों। उसके बाद मैं 11 प्लेयर को पिक कर लिया हूँ। तो आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन के बारे में बात किया, तो फ्रेंड्स हम लोग कैप्टन में किसको बनाते हैं उसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके साथ साथ आपको वाइस कैप्टन के बारे में भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो दोस्तों आपको हाइनिस को वाइस कैप्टन में पिक करना होगा, क्योंकि ये प्लेयर आपको इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि एक एक्सपीरियंस प्लेयर है दोस्तों, तो अरे आपको ये कैप्टन में जरूर काम करेंगे। उसके साथ साथ वाइस कैप्टन के बारे में बात करें, फ्रेंड्स मिनोलॉक्स को पिक करते थे, तो भले फ्रेंड्स ये लास्ट मैच में बैटिंग में मौका मिला था दोस्तों, लेकिन 1 ही रन बना पाए थे, लेकिन ये बैटिंग में भी अच्छी खेल लेती हैं, तो 2 विकेट मिला था लास्ट मैच में। तो कैप्टन और वाइस कैप्टन परफेक्ट है दोस्तों दोनों, तो आपको कोई चेंजिंग नहीं करना होगा। उसके बाद आपको कोई कन्फ्यूजन है तो एक बार टीम को भी देख लीजिए। तो दोस्तों अगर विकेट कीपर के बारे में बात करें, तो सब लोग विकेट कीपर को पिक किए, तो पहले विकेट कीपर में आते हैं दोस्तों टाइलर विल्सन को पिक कर लिए। उसके साथ साथ बैट्समैनों के बारे में बात करें, तो फ्रेंड्स 4 बैट्समैन को पिक किए, तो पहले बैट्समैन में आते हैं सी आत्तपट्टू दोस्तों, 4 मेरे आस्तपट्टू हैं। रिचर हाइनिस को पिक करिए, सॉरी फ्रेंड्स टी बियोनो मॉड को पिक करिए, उसके साथ साथ रिचर हाइनिस को पिक किए, और उसके साथ साथ कंट्री वेब को पिक कर लिए। तो फ्रेंड्स हम लोग 3-4 बैट्समैन को पिक कर लिए। उसके बाद ऑलराउंडरों के बारे में बात किए, तो 3 ऑलराउंडर्स को पिक किए, तो एच माइथव से दोस्तों, एस जो जॉनसन है, और एस मिनोलॉक्स है। तो फ्रेंड्स दोस्तों हम लोग 3 ऑलराउंडर्स को पिक किए। उसके बाद बॉलरों के बारे में बात करें, 3 बॉलर्स को पिक किए, तो एस इस्माइल है फ्रेंड्स, सारसो कोयटे है, और उसके साथ साथ एड्स बैट्स है दोस्तों। 3 बॉलर्स को पिक कर लिए, तो हम लोग 11 इंपॉर्टेंट प्लेयर को पिक कर लिए दोस्तों। तो आपको ये भी नहीं समझना होगा कि मेरा फाइनल टीम आपको मेरे टेलीग्राम में मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों मैं पहले भी बता चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन से लिंक ओपन होता है, तो आपको टेलीग्राम में चल जाना होगा सीधा। तो टेलीग्राम में जाके इस तरह आपको सर्च करना होगा, तो मैं पहले ही सर्च करके रख लिया हूँ, तो आपको सही तरह से सर्च करना होगा @fantasy करके, जो आपको 678 सब्सक्राइबर्स दिखा दे रहे उस पर ज्वाइन करना दोस्तों, और बाकी 2 अकाउंट्स दिखा दे रहे हैं उसमें आपको अवॉइड करना है। तो फ्रेंड्स आपको जो 678 सब्सक्राइबर्स दिखाई दे रहे हैं उसमें आपको इस तरह क्लिक करना होगा, तो क्लिक करते तुरंत मेरे टेलीग्राम चैनल आपको शो हो जाएगा दोस्तों। तो यही है मेरे टेलीग्राम चैनल, आपको इस तरह मैं फाइनल टीम दे देता हूं। तो अगर कबड्डी का वीडियो होगा दोस्तों आपको इस तरह फाइनल टीम मिल जाएगा, उसके बाद आपको तो दोस्तों आपको क्रिकेट का वीडियो होगा तो इस तरह मिल जाएगा दोस्तों फाइनल टीम। तो फाइनल टीम नीचे मैं एक लिंक भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो लिंक है दोस्तों माई मास्टर 11 ऐप का है। तो दोस्तों ये ऐप जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों एक मस्त का ऐप है, क्योंकि मैं ट्राई करके आ रहा हूँ, कि उसके साथ साथ ये नया ऐप है दोस्तों। तो आपको
लो कंपटीशन रहेगा तो मैं इसमें मनी इजीली आप अर्न कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं मनी इजीली अर्न करके आ रहा हूँ, तो मैं उसी भरोसे आप लोगों को बता रहा हूँ, आप भी मनी इजीली अर्न कीजिए। उसके साथ साथ जो मैं आपको टीम दे रहा हूँ दोस्तों, आप किस किस में ट्राई कर सकते हैं उसके बारे में बता देता हूँ। तो दोस्तों ये 3 स्पॉट 4 स्पॉट 5 स्पॉट उसके साथ साथ हेड टू हेड में ट्राई करेंगे। अगर मेरे टीम को फॉलो हुआ है दोस्तों, मेरा पक्का वादा है दोस्तों 100% आपको मैं जिता दूंगा। सिर्फ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में फॉलो करना है, उसके साथ साथ आपको मेरे फाइनल टीम को भी फॉलो करना है। तो दोस्तों मैं वीडियो को यहीं पर एंड करता हूं। आपको वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर देना फ्रेंड्स। थैंक यू।